हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? तो हम लोग कहाँ का प्लान है? इन लोग से ही आप कहाँ जा सुन रही है? लीजिए। कहाँ जा रही है स्वाति? अच्छा, हाँ जी, तो हम लोग जा रहे हैं डलहौजी। तो डलहौजी जाने से पहले हम लोग यहाँ पे फ्यूल है जो रिलूट कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग रहते हैं जालंधर में, और जालंधर से जो डलहौजी का जो दूरी है 2 किलोमीटर है। और डलहौजी कहाँ पे है बता दूँ आपको, हिमाचल में, ठीक है। और पंजाब और हिमाचल के भी बीच की दूरी है, मतलब सटी है राज्य। और तो वहाँ पर हम लोग आज प्लान किए हैं, तो चलिए चलते हैं साथ में, और काफ़ी मस्ती आइसक्रीम हो रहा है। आइसक्रीम आइसक्रीम बना रही है? ये कोल्ड में आइसक्रीम खानी अच्छा, बहुत अच्छा है। पैरोट बनी चीज का पैरोट, और ये क्या है? मछली। अच्छा, हम इसको नंदा की साफ कही है। हाँ, तो सानिया यहाँ पे ग्लास पे कुछ कुछ बना भी रहे थे, और उसके बारे में बता भी रहे थे कि क्या बना रहे हैं, ठीक है। और साथ में मस्ती उठती है। ये देखिए, यहाँ पे ट्रेन का स्पीड है जो हम लोग से, जो मेरी गाड़ी है उससे ज़्यादा स्पीड है, काफ़ी अच्छा लग रहा था। साथ में रोड और उसके साथ में ट्रेन। तो उसके बाद यहाँ पे सानिया बहुत सारे कुछ बता रहे थे, कुछ डायरेक्शन भी दे रहे थे, ऐसे चलना है, उससे चलना है, और यहाँ से जो रोड है ना बहुत मस्त है। तो अभी हम लोग जाएंगे पहले पठानकोट, और ठीक है पठानकोट के बाद है जो चलेंगे वहां से। यहाँ पे दोनों सो गई, सान्या और स्वाति। सो गई है या फिर जगी है? सो गई है, हंस रही है, मतलब जगी है। 3 घंटा अभी बाकी है, जो कि 1 घंटा का सफर समाप्त हुआ है। और यहाँ पे देख लीजिए, NH20S स्टे के लिए 5 किलोमीटर, मतलब जो भी है, 1 मिनट चुप कर रहे, इतने लंबे सफर है अभी जाना। यहाँ से पठानकोट, फिर पठानकोट से फिर निकलेंगे यहाँ डलहौजी के लिए। तो अभी भी 3 घंटा है, चलिए देखते हैं। 3 घंटा नाश्ता चल रहा है, हमें भी खिला दो। हाँ, तो अब यहाँ से काफ़ी मस्ती हुए हम लोग सन्या और स्वाति के साथ, और उसके बाद कुछ खाना का भी प्लान कर लिया, क्योंकि 2-3 घंटा का सफ़र हो चुका था। तो उसके बाद एक होटल मिला बहुत अच्छा सा, वहाँ पे हम लोग खाना खाए, और बहुत अच्छा खाना यहाँ पे था, जो कि पराठा हम लोग है जो चूज किए, तो काफ़ी अच्छा पराठा लगा, पनीर पर पराठा, स्वाति को भी और सानिया को भी और सभी लोग को भी। तो हम भी है जो काफ़ी है जो फूल कर लिए थे, मेरा भी, क्योंकि 3 घंटा 4 घंटा और जाना था। पठानकोट से 80 किलोमीटर अभी और है, बाकी है, और अभी अभिने में लग गया कम से कम तकरीबन 3 घंटा। देखते हैं कितने किलोमीटर, 80 किलोमीटर है, कितने देर में पहुँचते हैं। अभी 11 बजा है, उम्मीद है कि 12 सॉरी 1 बजे तक पहुँच जाना चाहिए, फिर वहाँ से देखते हैं। अभी 1 बज गया है, फिर भी अभी 1 घंटा और बता रहा है मैप पे, देखते हैं कितने तक पहुँचते हैं। और देखिए इस रोड पे, उसके बाद फिर मिलते हैं डलहौजी में। क्या हुआ सन्या, थक गई सुन? कैसा लग रहा है बाहर का रही हूँ, कैसा लग रहा है सन्या? बहुत ही गंदा। बहुत ही गंदा क्यों? बोलो बहुत अच्छा। बहुत ही गंदा। इतना अच्छा तो व्यू है, नजारा देख रही है। अभी आ गए यहाँ पे डलहौजी में, और यहाँ पे रेस्टोरेंट है जो देख रहे हैं, और जो भी अच्छा मिलेगा रेस्टोरेंट यहाँ पे होटल उस पर यहाँ पे स्टे किया जाएगा। और यहाँ पे घूमने का जो पॉइंट है, फिर वहाँ पे हम लोग चलेंगे स्टे करके। और देख ली इस तरफ का नज़ारा, बैक कैमरा से दिखा, बहुत मस्त व्यू है यहाँ से। बट यहाँ पे बर्फ़ नहीं गिर रहा, बट वहाँ उस पहाड़ पे गिर रहा है। तो यहीं पे स्टे करने के लिए प्लान किया गया है, और ऊपर में होटल्स है। तो फिर और इस तरह के यहाँ से व्यू है, इस तरह के यहाँ पे नज़ारा है, बहुत मस्त। सानिया के लिए सबसे फेवरेट जगह ये है। और क्या अच्छा लगा यहाँ पे? और
और चलेंगे फिर घूमने तो पता चलेगा, है ना? ठीक है। अच्छा, यहाँ पे रूम दिखा दो कि कितना अच्छा रूम है यहाँ पे इसका, और जो इसका व्यवस्था है, चलिए आकर देख लेते हैं। तो रूम है जो काफ़ी बहुत शानदार है, साफ सुथरा भी है, और बगल में बाथरूम है, सामने टीवी है, और दो बेड का रूम है, तो बहुत अच्छा लगा। और सामने व्यू पॉइंट है, तो वो भी आपको दिखा देते हैं, सामने का बेड और सामने व्यू पॉइंट इस तरह का। तो देखिए किस कितना अच्छा है। तो यहाँ पे हम लोग दो घंटा बिताए और काफ़ी अच्छे से फ़ोटो शूट किए, बहुत अच्छा यहाँ पे लोकेशन था, हम लोग खूब मस्ती यहाँ पे किए, रील्स बनाए और बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटो भी खिंचाए। और उसके बाद सानिया के भी यहाँ पे बहुत अच्छे रील्स बने, फ़ोटो भी बने, और बहुत इतना अच्छा जगह था, इसका क्या कहना। ठीक है, तो यहाँ से इसके बाद है जो हम लोग निकल गए नेक्स्ट पॉइंट के लिए। तो नेक्स्ट पॉइंट से निकले तो फिर यहाँ पे देख लीजिए स्वाति है जो मस्ती कर रही है, ठीक है। और होटल भी इसका जो बाहर का जो नज़ारा था ना, इतना अच्छा था, यहाँ से निकलने का मन नहीं कर रहा था। फिर भी हम लोग का फिर नेक्स्ट पॉइंट भी जाना था, तो हम लोग यहाँ से निकल गए, और टाइम ही नहीं था, दो घंटे बच रहे थे, उसके बाद फिर सनसेट हो जाता। और अभी था 4 बज रहे थे, और उसके बाद फिर हम लोग निकल गए। इतना अच्छा लग रहा था ना, जंगल जैसे हम लोग लग रहे थे जंगल में कहीं अकेले सैर कर रहे, और साथ में सानिया और स्वाति भी थी। पंचकूला वहाँ पे एक छोटी सी वाटरफॉल है, और जो भी है वहाँ पे हम लोग देखेंगे, कैप्चर करेंगे और इन्जॉय करेंगे। और इससे यहाँ पे अभी जंगल है, थक गए, काफ़ी चलना पड़ा है, क्योंकि यहाँ से होटल है 1 किलोमीटर और चढ़ना पड़ता है ना। और देखिए इस तरह का नज़ारा है, बिल्कुल ठीक है। पंचकूला कौन सी, ये वाटरफॉल ये वाटरफॉल है पता नहीं, बट इस तरह का है यहाँ पे पंचकूला का। और एक मार्केट है, बारिश का, बारिश आ रही है यहाँ पे। और यहाँ पे सामने और स्वाति जो झूला पे अपना, उसका प्लान था कि हम झूला झूले, और यहाँ पे झूला इतना अच्छा था, बहुत मस्त, जो कि हैंड से ही अपना पूरा कर रहे थे। तो यहाँ पे डरी भी थी सन्या और स्वाति, क्योंकि झूले हैं जो थोड़ा सा जंप भी कर रहे थे। तो काफ़ी टाइम हम लोग यहाँ पे भी बिताए, खाने के भी व्यवस्था था बहुत अच्छा, हम लोग कुछ फास्ट फूड भी खाए, और फिर यहाँ से है जो निकल गए आगे वाटरफॉल की तरफ। और यहाँ का जो वाटरफॉल था ना, बहुत छोटा था वाटरफॉल, बट बहुत अच्छा भी लग रहा था, इतना अच्छा लोग, क्योंकि यहाँ से गुफा टाइप के मतलब अंदर जाना पड़ता था, और काफ़ी ऊपर भी था, तो हम लोग यहाँ पे आने में करीब 1 घंटा लग गया। और काफ़ी लोग हैं जो बहुत परेशानी, बहुत मेहनत से यहाँ पे आते थे, ठीक है, उस पर जाने में भी 1 घंटा हम लोग को लग गया यहाँ से। और यहाँ पे जो कैफ़े था ना, इतना अच्छा कैफ़े था, और जितने कलरफुल रंगे बिरंगे बहुत अच्छा, और कॉफ़ी यहाँ पे भी बहुत अच्छा यहाँ पे बना था, हम लोग पिए थे। और यहाँ पे सनसेट अभी नहीं हुआ था, फिर भी यहाँ पे अंधेरे हो गए थे, क्योंकि काफ़ी ऊँचा था और गुफा टाइप का मतलब पहाड़ था दोनों तरफ से, पहाड़ का छोटा सा पत्ता सा जो रास्ता था, वहाँ पर हम लोग वाटरफॉल के लिए आए थे। मैडम टेंशन मत लो, आपकी बच्ची सेफली जाएगी, सेफली आ जाएगी आप। यहाँ पे स्वाति है जो बहुत डर गई थी, लेकिन बोले कि बहुत आपको अच्छा लग रहा है। तो और ये जो मार्केट था ना, इतना अच्छा मार्केट था, जो भी बन रहा था, जो भी यहाँ पे मिल रहा था, हाथ से बनाया हुआ मिल रहा था, बहुत सुंदर था, ठीक है। और यहाँ पे अभी जो सेल्सियस है 10 डिग्री है, और तो ठंड काफ़ी है ही, बट जो स्नोफॉल का वेट कर रहे थे तो उस तरह से हुआ नहीं, अगर हो सके उम्मीद है तो, अगर आउट डाउन होगा तो बारिश की संभावना है, तो बारिश तो नहीं, डायरेक्ट स्नोफॉल होगा, तो ठंड काफ़ी है। और इस तरह से देखिए बैकग्राउंड का आपको हम दिखाते हैं, सनसेट भी अभी नहीं हुआ है, थोड़ा सा बाकी है,
क्योंकि पंचपुला में वहाँ से आते आते लेट हो गया, काफ़ी हम लोग वहाँ पे घूमे और जो कि आप देखे होंगे, तो आपको दिखाते हैं सनसेट। यहाँ पे अभी सनसेट हुआ है, बट कितना अच्छा लाली है, बहुत मस्त, और इस तरह टिमटिमाता हुआ तारा जमी पे, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ से भी कल, और देखते हैं कल का एडवेंचर कैसा होता है। ओके, तब तक के लिए यहाँ, फिर अब खाना खाएंगे, सोएंगे, रेस्ट करेंगे, काफ़ी थक गए हैं। ओके, गुड नाइट।